Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के बजाय लगातार 10वें दिन भी बढ़ गईं, लेकिन तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से त्रस्त लोगों के बहाने विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सियासत करने से चूक नहीं रहे, जिसमें बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में अपनी जगह बनाने में जुटी एनसीपी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तकलीफें जो लोग उठा रहे हैं उसमें इजाफा होगा और रुपया घिसता जा रहा है, रुपए की कीमत कम होती जा रही है। मुझे लगता है सरकार को ऐसा डिस्परेट हो चुकी है। वहीं पिछले एक दशक में अपना जनाधार खो चुकी लेफ्ट पार्टियों ने भी तेल की बढ़ी कीमतों को लोगों के हितों से जोड़ दिया। ये भी जन विरोधी नीति का हिस्सा है कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाना, कीमत रुपया का घट गया और इससे भी हमारा अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ, ये मोदी का भी एक फेलियर है। सीपीएम ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों को मुद्दा बनने के लिए भी बीजेपी को कोसा। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल के बहाने सिर्फ एनसीपी या सीपीएम ने ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला, बल्कि महागठबंधन में बड़े विपक्षी दल के तौर पर शामिल आरजेडी भी सामने आई और उसके नेताओं ने मोदी सरकार पर लोगों की समस्याओं से बेपरवाह होने का भी आरोप लगा दिया। दिक्कत तो ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और रुपया पाताल में अपना ठिकाना ढूंढ रहा है। दिक्कत ये है कि आप हैं इसके लिए परवाह ही नहीं कर रहे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों पर विपक्ष का हमला झेल रही बीजेपी ने तो राज्य सरकारों पर ही लाभ लेने का ठीकरा फोड़ दिया। ये भी मन में रखने की आवश्यकता है कि राज्यों में भी जब पैसे बढ़ते तो उनका VAT लगता है, सेल्स टैक्स लगता है और वो हर बार उस पे और टैक्स उनकी वृद्धि होती है। बीजेपी ने कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। मध्य प्रदेश के भिंड में कार सवार 7 लोग बेसली नदी में डूब गए, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि आसपास के लोगों ने 3 को बचा लिया। बताया गया कि कार जिस पुल से जा रही थी उस पर अचानक पानी आने की वजह से यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक मारे गए लोग झांसी के रहने वाले थे और एक ही परिवार के बताए गए। तो 4 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। इस जानकारी ये है कि जिस तरह से लगातार बेतहाशा बारिश हो रही है उस वजह से बेसली नदी में डूबने की वजह से 4 लोगों की जान गई है। आसपास के लोगों ने बताया कि कार यहां से गुजर रही थी और अचानक यहां गिर गई। यूपी के शामली में पानी में डूबी एक बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बस में बैठे लोगों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से अंडरपास के नीचे सड़क पर पानी जमा हो गया, जिसमें बस फंस गई। पानी में बस के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद कुछ कर्मचारी गड्ढा खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंचे और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को पानी से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक बस में सवार 75 यात्री एक शादी में शामिल होने सहारनपुर जा रहे थे। जापान के ओसाका में भयंकर तूफान की वजह से प्रशांत महासागर के तट पर एक जहाज अपना रास्ता भटक गया और पुल से टकरा गया। भयंकर तूफान की वजह से जहाज के अंदर भी पानी पहुंच गया, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से पश्चिमी जापान में तबाही की आशंका बढ़ती जा रही है। फिलहाल ओसाका में यूनिवर्सल स्टूडियो और जापान थीम पार्क को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के ASF यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने सियालकोट एयरपोर्ट के एक कर्मचारी को भारतीय गाना गुनगुनाने के लिए सजा दे दी। इस कर्मचारी ने पाकिस्तानी झंडे वाली टोपी पहनकर एक पंजाबी गाने पर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में ये लड़की ना सिर्फ गाने पर डांस कर रही थी बल्कि उसे गुनगुनाती भी नजर आई। ये वीडियो एक कमरे में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद वहाँ की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि महिला काम के वक्त गाना गुनगुना रही थी, जिसे नियमों का उल्लंघन करार दिया गया और गाना गा रही कर्मचारी के वेतन से 2 साल तक बढ़ोतरी और भत्ते पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने उसे सोशल मीडिया इस्तेमाल न करने का भी आदेश दे दिया। अधिकारियों ने उसे फिर से नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने CRPF के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें CRPF के 3 जवान घायल हुए। CRPF के 3 घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तकरीबन 3.5 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 करोड़ रुपए आंकी गई।
जनरल बिपिन रावत ने दोषी पाए जाने पर मेजर गोगोई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने साफ किया कि जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी मेजर गोगोई के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले की वेबसाइट और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए दूसरे जरूरी ऐप लॉन्च किए। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर की बीमारी के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कांग्रेस की मांग को बीजेपी ने बेतुका बताया। गोवा के लोगों को दिखा रही है, इंडिया के लोगों को दिखा रही है कि भाई यहां सरकार नहीं चल रहा है। पंजाब के संगरूर में यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भैंस के आगे बीन बजाने लगा। ये कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के उन दर्जनों कार्यकर्ताओं में शामिल था जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 11वें दिन हुई बढ़ोतरी के विरोध में सड़क पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ इन लोगों ने यह अनोखा प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाने के अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके अपने गुस्से का इजहार किया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इससे पहले इन कार्यकर्ताओं ने इलाके में एक रैली निकाली जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला कार्यकर्ता भी भैंस के आगे बीन बजाती नजर आई। यूथ कांग्रेस ने दावा किया कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से लोग खासे परेशान हैं। बीन में जानते हैं मकसद का डीजल पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ चुके ने, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने की मांग की। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका लगा है। अदालत ने कर्नल पुरोहित की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में केस की जांच की अपील की थी। अदालत ने उन्हें इसके लिए एनआईए ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है। कर्नल पुरोहित पर इस मामले में बुधवार को आरोप तय होने हैं जिस पर रोक के लिए उन्होंने अदालत में राहत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कर्नल पुरोहित अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई सबसे बड़ी गिरावट से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। डॉलर की कीमत 71 रुपए के पार जाने पर विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमला बोला और कांग्रेस ने इसी बहाने सरकार पर अर्थव्यवस्था कमजोर करने का आरोप मढ़ दिया। 40 रुपया एक डॉलर के बराबर होगा ये कहकर मोदी जी सत्ता में आए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह का उपहास उड़ाया करते थे। करेंसी भारत देश की गिरते हुए रुकेगी कब मोदी जी? डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 71.37 रुपए तक पहुँच गया। जानकारों की राय में रुपए में गिरावट की वजह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आया बदलाव है। साथ ही कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों का भी विनिमय बाजार के रुख पर असर पड़ा है, लेकिन विपक्ष ने इसके लिए सरकार से जवाब तलब किया। आपकी नीतियों से भारत के अंदर 7.5% कह रहे हो कि हमारी विकास दर है और रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 71 कार कर गया, इसका जस्टिफिकेशन इसको कैसे आप सिद्ध करोगे? इतना ही नहीं, एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी रुपए में लगातार गिरावट को खतरा बताते हुए सरकार को आगाह किया। देश का सियासी मूड जानने के लिए किए गए एक ऑनलाइन सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया। ये सर्वे जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की संस्था IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने लोकप्रियता के मामले में देश के सभी बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 48% लोगों ने समर्थन किया, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राहुल गांधी को 11% लोगों का समर्थन मिला। सर्वे के लिए देश के 712 जिलों के 57 लाख लोगों से बात की गई और उनसे पूछा गया कि वो कौन सा नेता है जो देश का एजेंडा आगे लेकर जा सकता है, जिसके जवाब में लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाई। प्रशांत किशोर की संस्था के सर्वे में तीसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल, चौथे नंबर पर अखिलेश यादव और पांचवें नंबर पर ममता बनर्जी रही। हालांकि इनमें से कोई भी 10% से ज्यादा समर्थन नहीं जुटा पाया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मामले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के जरिए ईवीएम की जांच और गड़बड़ी के आरोप लगाने वाली एक याचिका पर चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके राज्यों में तैनात CRPF की बटालियन को हटाकर छत्तीसगढ़ भेजने के फैसले पर गृह मंत्रालय से पुनर्विचार की मांग की। मध्य प्रदेश के भिंड में एक कार के नदी में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उनकी सरकार में बांटे गए लैपटॉप पर लगी तस्वीर बदलने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2500 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोपी भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंगल की दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को बरकरार रखा। CJI दीपक मिश्रा ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश कर दी।
स्पेन की राजधानी मेड्रिड में एक फुटबॉल मैच में एथलेटिको मेड्रिड बी के कप्तान ताची ने रियल मेड्रिड बी के विनिसियस जूनियर के सिर पर दांत काट लिया। ताची ने मैदान पर यह हरकत तब की जब दोनों खिलाड़ी टकराने के बाद मैदान पर गिर पड़े, जिसके बाद ताची ने विनिसियस के सिर पर दांत काट लिया। रियल मेड्रिड बी और एथलेटिको मेड्रिड बी के इस मुकाबले में दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के खिलाफ कई फाउल किए। मैच में शुरू से ही तनाव था। इस बीच ताची रियल मेड्रिड बी टीम के स्ट्राइकर विनिसियस जूनियर के पीठ पर सवार दिखे। तभी विनिसियस जूनियर उठे और उन्होंने झटका देकर ताची को जमीन पर गिरा दिया। दोनों खिलाड़ी मैदान पर पड़े पड़े ही एक दूसरे से उलझ गए। विनिसियस जूनियर वहां पहुंचे, रेफरी को सफाई देने लगे। इससे चिढ़कर ताची ने विनिसियस के सिर पर दांत काट लिया। वो सिर पकड़कर बैठ गए। तभी एथलेटिको मेड्रिड बी के खिलाड़ी ने ताची को धक्का देकर दोनों को अलग कर दिया। दिल्ली के जामिया नगर में बातला हाउस इलाके के एक अस्पताल में एक महिला दहाड़े मारकर रोने लगी। आरोप है कि वहां बीएसपी के एक जिला पंचायत सदस्य दिलशाद खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार में मातम पसर गया और बड़ी संख्या में परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी का फोन आने के बाद दिलशाद खान घर से बाहर गए। थोड़ी देर बाद घर के पास ही बाइक पर आए दो बदमाश उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। आनन फानन में दिलशाद खान को होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक यूपी के मेरठ से जिला पंचायत सदस्य दिलशाद खान 10 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से छूटकर बाहर आए थे। परिवार के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से उन्हें धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया और पुलिस को इसकी जानकारी देने का भी दावा किया। बीएसपी नेता दिलशाद खान की हत्या का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिलशाद खान बदमाशों से बचकर भागने की कोशिश करते दिखे। वीडियो में दिलशाद खान हेलमेट पहने दो बदमाश उनके घेरे में दिखाई दिए हैं, जिनमें दिलशाद खान ने मुकाबला भी करने की कोशिश की है, लेकिन तभी एक बदमाश ने गली के नारे ले जाकर उन पर गोली चला दी। घायल होने के बावजूद उन्होंने बदमाशों के चंगुल से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पीछा करते हुए उन पर फिर फायरिंग की और फरार हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव के लिए बनाया गया एक स्टेज भरभराकर गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान स्टेज पर कई लोग मौजूद थे और स्टेज के गिरते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे से ठीक पहले वहां गाने की धुन पर कुछ लोग थिरक रहे थे, तभी वहां मौजूद एक मंच पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मंच पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों पर भी लोग खड़े नजर आए। इस बीच मंच पर मौजूद एक आदमी माइक से कुछ ऐलान करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता स्टेज अचानक गिर गया। बताया गया कि हादसे में लगभग 15 लोग घायल हो गए, जबकि 5 लोगों को गंभीर चोट आई। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक मकान के अंदर कुछ महिलाएं रोने लगी। दावा किया जा रहा है कि उनके परिवार का एक लड़का आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही उसके परिवार की महिलाएं रोने लगी। हारून के परिवार की महिलाओं ने रोते हुए हारून से आतंक का रास्ता छोड़कर वापस घर आने की अपील भी की। हम उनको यही कहेंगे कि उसको वापस भेजो। वहीं हारून के आतंकी संगठन में शामिल होने की खबर मिलते ही सुरक्षा बल उसके घर पहुंच गए और जांच में जुट गए। हारून के परिवार ने सुरक्षा बल से हारून को पकड़कर उन्हें सौंप देने की अपील की। जहां भी ये बच्चा है उसको बराए मेहरबानी करके वापस भेजें, क्योंकि हमारे घरेलू जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं, परेशान हैं सब। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डोडा का रहने वाला हारून अब्बास वानी MBA करने के बाद जम्मू की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो गायब था, जिसके बाद उसके आतंकी संगठन में शामिल होने की खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लगातार स्थानीय युवकों को बरगला कर आतंकी बनाने की कोशिश में लगा है। मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक शहडोल में SC/ST एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भड़क गयी। वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन रास्ते में विरोध कर रहे लोगों ने सांसद रीति पाठक को रोक लिया और उनके सांसद होने पर ही सवाल उठा दिए। आप जिस जगह पे बैठी हमारे सेवा करने के लिए बैठी हैं, आप हमारी सेवा ही नहीं कर पा रही हैं, क्यों काहे का पद है। लोगों के इस रवैये पर सांसद भड़क गई और उन्होंने विरोध कर रहे लोगों को गला काटने की चुनौती दे दी। भैया मैं क्यों काटूं? जिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नाराजगी जाहिर की और उन पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा दिया। आप तो सीधे अपनी जिम्मेदारी से हट रही हैं। मामले को तूल पकड़ता देख सांसद रीति पाठक ने एक बार फिर लोगों को समझाने की कोशिश की और SC/ST एक्ट में संविधान के तहत ही संशोधन किए जाने की दलील दी। राजस्थान के जोधपुर में हादसे का शिकार हुए वायुसेना के MiG-27 विमान से आग की लपटें निकलने लगी। इस विमान ने जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन तभी इसमें तकनीकी खराबी आ गई।
जिसकी वजह से ये विमान एक मैदान में गिर गया। विमान के गिरते ही उसमें भयंकर आग लग गई। जिस वक्त वायुसेना का मिग 27 विमान हादसे का शिकार हुआ, उस वक्त उसमें दो पायलट भी सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि हादसे से ठीक पहले दोनों पायलट विमान से निकल गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास के गांव में रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और विमान में मौजूद पायलटों की तलाश करने लगे। आगे निकल गया, आगे निकल गया, अभी साइड में आगे। हादसे के कुछ ही देर बाद वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर भी पायलटों की खोजबीन में लग गया और हादसे वाली जगह के आसपास आसमान में मंडराने लगा, जबकि वायुसेना के कुछ जवान भी वहां पहुंचे और अपने साथी की तलाश में जुट गए, जिसके थोड़ी ही देर बाद कुछ गांव वालों ने हादसे में घायल हुए एक पायलट को ढूंढ निकाला, जो हादसे वाली जगह से कुछ ही दूर पर जमीन पर लेटा मिला। पायलट ने वहां पहुंचे लोगों से बातचीत भी की। वायुसेना ने दूसरे पायलट के भी सुरक्षित होने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक वायुसेना के मिग 27 विमान ने जोधपुर एयरबेस से सुबह 8:50 पर उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से सुबह 9:02 पर वो हादसे का शिकार हो गया। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के बजाय लगातार 10वें दिन भी बढ़ गईं। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से त्रस्त लोगों के बहाने विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सियासत करने से नहीं चूक रहे, जिसमें बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में अपनी जगह बनाने में जुटी एनसीपी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तकलीफें जो लोग उठा रहे हैं उसमें इजाफा होगा और रुपया घिसता जा रहा है, रुपये की कीमत कम होती जा रही है, ये लगता है सरकार को ऐसा डिस्परेट हो चुकी है। वहीं पिछले एक दशक में अपना जनाधार खो चुकी लेफ्ट पार्टियों ने भी तेल की बढ़ी कीमतों को लोगों के हितों से जोड़ दिया। ये भी जन विरोधी नीति का हिस्सा है कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाना, कीमत रुपया का घट गया और इससे भी हमारा अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ, ये मोदी का भी एक फेलियर है। सीपीएम ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों को मुद्दा बनने के लिए भी बीजेपी को कोसा। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल के बहाने सिर्फ एनसीपी या फिर सीपीएम ने ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला, बल्कि महागठबंधन में बड़े विपक्षी दल के तौर पर शामिल आरजेडी भी सामने आई और उसके नेताओं ने मोदी सरकार पर लोगों की समस्याओं से बेपरवाह होने का भी आरोप लगा दिया। दिक्कत तो ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और रुपया पाताल में अपना ठिकाना ढूंढ रहा है। दिक्कत ये है कि आप हैं इसके लिए परवाह ही नहीं कर रहे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों पर विपक्ष का हमला झेल रही बीजेपी ने तो राज्य सरकारों पर ही लाभ लेने का ठीकरा फोड़ दिया। ये भी मन में रखने की आवश्यकता है कि राज्यों में भी जब पैसे बढ़ते तो उनका VAT लगता है, सेल्स टैक्स लगता है और वो हर बार उस पे और टैक्स उनकी वृद्धि होती। बीजेपी ने कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। पटना में गंगा किनारे बसे एक गांव के कुछ लोग एक नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गंगा नदी में बाढ़ आने के बाद सरकार ने उनका हाल नहीं जाना, जिसकी वजह से इन लोगों को खुद नाव का किराया देकर उफनती गंगा नदी को पार करना पड़ा। कम से कम नाव की व्यवस्था करते फिलहाल तो कम से कम राहत तो कुछ मिलता। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया, वहीं चारों तरफ पानी जमा होने से फसल भी डूब गई। गांव के लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच से निकलने को मजबूर नजर आए। चारों तरफ पानी हो गया, जो भी हम लोग मजदूरी करते थे वो भी बंद हो गया। बाढ़ से परेशान लोगों ने सरकार से उन्हें जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की मांग की। इलाहाबाद में साइकिल से जा रहे एक रिटायर्ड दारोगा की कुछ लोगों ने लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। दारोगा की बेरहमी से हत्या का आरोप उन्हीं के रिश्तेदारों पर लगा, जिसकी CCTV तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें देखा गया कि साइकिल से जा रहे रिटायर्ड दारोगा अब्दुल समद खान पर एक आदमी ने पीछे से लाठी से हमला किया, जिससे उनकी साइकिल गिर गई। इसके बाद लाल शर्ट पहना आदमी दारोगा पर लगातार लाठियों से हमला करता रहा। इस बीच वहां से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। इस बीच दो और लोग लाठियां लेकर वहां आए और तीनों मिलकर रिटायर्ड दारोगा को पीटने लगे। बेरहमी से मारपीट करने के बाद हमलावर वहां से भाग निकले। जानकारी मिलने पर परिवार वालों ने रिटायर्ड दारोगा को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया कि जमीन से जुड़े एक विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। संबंधियों से संपत्ति का विवाद था जैसा पता चला है, उसी में जो है मारपीट हुई। पुलिस ने रिटायर्ड दारोगा अब्दुल समद खान की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया।